पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म किया और हमने देखा सिमिलैरिटी, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको करना है। पहला क्वेश्चन पूरा पूरा होमवर्क, किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ सकता है, बराबर। हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? इन फिगर ट्रायंगल ODC, ODC सिमिलर OBA, ODC और OBA को क्या बताया है? सिमिलर बताया है। और एंगल BOC बोला है 125। BOC कितना है? 125। CDO कितना है? 70 डिग्री। CDO कितना है? 70। तो हमको फाइंड कौन कौन सा करना है? DOC, DOC मतलब ये वाला एंगल, फिर DCO मतलब ये वाला एंगल, और OBA मतलब OAB मतलब ये वाला एंगल। अब देखो यहाँ पे C और A करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, है ना। तो जितना C होएगा उतना ही क्या होएगा? A होएगा। अब ये जो आपका DOC है, ये वाला एंगल, BOC और DOC दोनों मिला के कितने होंगे? 180। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन? डायरेक्ट क्या? एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्या आएगा? लीनियर पेयर एंगल। क्या आएगा? लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल DOC नहीं पता हमको, BOC पता है कितना? 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 55 डिग्री। DOC मिल गया कितना? 55 डिग्री। उसके बाद आपको DCO चाहिए। क्या चाहिए? DCO। तो ये देखो, ये वाला एंगल हमको मिल गया है, ये भी पता है, तो इसमें क्या यूज होएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इंटर एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। क्या रीजन आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या रीजन आया? एंगल सम प्रॉपर्टी, बराबर है। अब एंगल DOC कितना है हमारे पास? DOC कितना मिला? अभी मिला यहाँ पे 55 डिग्री। कितना? प्लस ODC, ODC कितना है? ODC 70 डिग्री गिवन है। प्लस DCO नहीं पता है ना हमको, इज इक्वल टू 180। तो 70 प्लस 55 कितना होएगा? 125 इज इक्वल टू, अच्छा ये DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो एंगल DCO कितना मिलेगा आपको? 55 डिग्री। कितना मिलेगा? 55 डिग्री, बराबर है। अब जितना आपका DCO होएगा उतना ही क्या होएगा? OAB भी होएगा ना, क्योंकि क्या बोला है कि ट्रायंगल ODC, ODC सिमिलर बोला है ट्रायंगल OBA के, OBA के, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो देयरफॉर क्या होएगा कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल OCD या DCO इक्वल होएगा एंगल BAO के या फिर OAB के, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो DCO कितना आपके पास? 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल, क्या लिख सकते हैं हम इसको? यहाँ पे आपको क्या पूछा है? OAB, OAB हो गया। तीनों तीनों कितना मिला आपको? 55 55 55, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। 2 तो हो गया, 3।
डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रपेजियम, क्या बोला है? ट्रपेजियम, ट्रपेजियम क्या होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल। डायगनल ए सी और बी डी ऑफ अ ट्रपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। यूजिंग सिमिलैरिटी बोला है, क्या बोला है? सिमिलैरिटी, फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। अभी देखो, पिछले लेक्चर में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, ये देखो, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी ऐसा ही आया था ना यहाँ पे। फिर हमने उसको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तब हमको ये मिला था। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? बीपीटी यूज़ किया था। तो आप यहाँ पे भी, यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज़ कर सकते थे, लेकिन तब हमको सिमिलैरिटी पता नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपको क्या बोला है कि आपको क्या यूज़ करना है? सिमिलैरिटी। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे सिमिलैरिटी भी यूज़ कर सकते हो, नहीं बोला तो भी। क्यों? क्योंकि हमको पता है। तो क्या करना है यहाँ पे? गिवन प्रूफ करना है ना, गिवन कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? ट्रपेजियम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ट्रपेजियम। उसके बाद टू प्रूफ ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी, क्या आएगा? प्रूफ। सिमिलैरिटी यूज करनी है ट्रायंगल्स की, बराबर है? किसकी सिमिलैरिटी यूज करनी है? ट्रायंगल्स की। तो देखो, ओ ए ये रहा, ओ सी ये रहा, ओ बी ये रहा, ओ डी ये रहा, है ना? तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो आप बोलोगे, सर ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में भी तो आ रहे हैं ये साइड्स, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है? ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के, है ना? ए बी पैरेलल बोला है किसके? डी सी के। तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल्स होंगे, है ना, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उससे हमको ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने में आसानी होगी, इसलिए हम ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, बराबर है? तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? सी ओ डी। कौन सा ट्रायंगल? सी ओ डी। एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ सी डी। ओ सी डी क्या रीजन आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, सी ओ डी ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयर फॉर ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल? ए ओ बी और सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, कौन सी सिमिलैरिटी आ रही है यहाँ पे? डबल ए ना, डबल ए सिमिलैरिटी। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है किसमें होंगी? सेम प्रपोर्शन। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रपोर्शन। तो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, ओ बी अपॉन ओ डी और ए बी अपॉन सी डी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हो गया। अब हमारे काम का सिर्फ इतना ही है ना। तो देयर फॉर ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? चल, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या बोला है? इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्या दिया हुआ है आपको? ये क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया हुआ है ना? उसके बाद क्यू टी,
क्यूटी मतलब ये वापस ये बड़े वाले ट्रेंगल की साइड है, और यहाँ पे पी आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है। और एंगल वन बोला है एंगल टू के इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। शो दैट पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर, क्या बोला है? सिमिलर प्रूफ करने बोला है। क्या प्रूफ करना है हमको? सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, अब यहां पे करना क्या है हमको? अब देख रहे हो यहां पे क्यू आर अपॉन क्यू एस है, क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर है। तो अगर हम क्यू टी अपॉन पी क्यू बता दें, क्या बता दें हम लोग? क्यू टी अपॉन पी क्यू बता दें, और ये एंगल देखो, देख रहे हो दोनों में कॉमन है एंगल वन, एंगल वन जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में जो हमको सिमिलर प्रूफ करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, उसमें एंगल क्यू जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से दो साइड प्रोपोर्शन है और एक एंगल इक्वल है, दो साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे और एक एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पी आर की जगह हमको क्या रखना है? पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू को इक्वल बताने के लिए तो हमको ट्रायंगल पी क्यू आर कंसिडर करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू आर, क्योंकि ये जो क्यू एंगल है और आर एंगल है, ये एंगल वन है ये एंगल टू है, तो इसके सामने जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी, है ना? कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम, 9th पढ़ा है ना हमने। तो देखो बहुत इजी है, दो या तीन स्टेप का ये। गिवन गिवन में क्या दिया आपको? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। क्या दिया हुआ है? क्यू टी अपॉन पी आर, एंगल वन इक्वल बोला है एंगल टू के। टू प्रूव क्या बोला है? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, क्या आएगा? प्रूफ। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ये पी आर की जगह क्या रखना है? पी क्यू रखना है। तो पी आर और पी क्यू को इक्वल बताने के लिए हमको ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इक्वल बोला है एंगल टू के, गिवन है ना? तो देयर फॉर क्या होएगा? एंगल वन के सामने कौन है? पी आर, और एंगल टू के सामने कौन है? पी क्यू। मतलब पी आर इक्वल पी क्यू, है ना? क्या आएगा ये? कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम, क्या आएगा? कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम, याद रखो क्या? इसको कंसीडर करो इक्वेशन वन, इसको क्या कंसीडर करना है? इक्वेशन वन। अब अपने को गिवन क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो देयर फॉर हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पी क्यू। कहाँ से? फ्रॉम वन। अब देखो क्या हो गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर, फिर क्यू टी अपॉन पी क्यू। देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू बराबर है, अब दो साइड सेम रेशियो में है और एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू, क्या आ गया? कॉमन। क्या आ गया? कॉमन। तो देयर फॉर ये दो साइड और ये एंगल, है ना? तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, क्या रीजन आएगा? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, हेंस प्रूव्ड। कौन सी सिमिलैरिटी आएगी? साइड एंगल साइड। आया समझ में? सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में, सिर्फ हमको ये पी आर की जगह क्या चाहिए था? पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू इक्वल कैसे हुए? क्योंकि एंगल वन और एंगल टू, जो ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है उसमें एंगल वन और एंगल टू क्या है? इक्वल है। तो उसके सामने जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। आया समझ में? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? देखो कि
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, तो ट्रायंगल आपका क्या है, पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर। एस और टी है, एस किस पे है, पी आर पे, पी आर पे एस ए, और टी किस पे है, क्यू आर पे, बराबर। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो। आगे, सच दैट एंगल पी, एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस, किसके इक्वल है, आर टी एस के। शो दैट आर पी क्यू, आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। तो गिवन, गिवन में आपको क्या बोला है कि एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। टू प्रूफ, बहुत इजी है ये। टू प्रूफ क्या बोला है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, क्या आएगा प्रूफ। तो देखो, कौन जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है बोला, वही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। एंगल पी बोला है किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना। एंगल क्या बोला है, पी और आर टी एस इक्वल है, तो ट्रायंगल कौन कौन सा है, आर आर पी क्यू, आर पी क्यू और आर टी एस, दोनों में देखो क्या कॉमन है, एंगल आर, क्या आएगा कॉमन, एंगल आर इक्वल एंगल आर। तो देयर फॉर दो एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, कौन सी सिमिलैरिटी आएगी, डबल ए सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी आ रही है, डबल ए सिमिलैरिटी, हेंस प्रूफ। आया समझ में, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, गिवन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। फिर टू प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर बताना है ट्रायंगल ए बी सी के, ए डी ई सिमिलर बताना है ए बी सी के, ए डी ई और ए बी सी, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बराबर है ना। तो अगर ए डी अपॉन ए बी हो जाए और ए ई अपॉन ए सी हो जाए और एंगल ए कॉमन हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो प्रूफ, इंफॉर्मेशन गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इनकी जो, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कोई ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है वहां पे, कि उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल होएगा ए सी के, ए बी इक्वल ए सी। फिर बी ई इक्वल सी डी और ए ई इक्वल होएगा ए डी के, है ना, ए डी इक्वल होएगा ए ई के, क्या लिखेंगे यहां पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये रीजन आएगा। अब मुझे चाहिए क्या क्या, ध्यान से देखना, ए डी अपॉन ए बी चाहिए, है ना, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी चाहिए, तो ये वाला और ये वाला, यही दो है ना, ये ए बी इक्वल ए सी है, ये ए ई इक्वल ए डी है। तो अगर मैं इसको ए ई इक्वल ए डी को ए डी इक्वल ए ई लिख रहा हूं, किसी को कोई तकलीफ होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन वन, ये ले लिया मैंने मेरा इक्वेशन टू, आया समझ में, इसको क्या लिया मैंने इक्वेशन वन और ये क्या हुआ इक्वेशन टू। इक्वेशन टू को मैं इक्वेशन वन से डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड इक्वेशन टू बाय
इक्वेशन वन। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन टू को किससे डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन वन से। तो इक्वेशन टू क्या है, एडी इक्वल ए ई, एडी इक्वल ए ई अपॉन क्या आएगा, ए बी और ए सी, क्या आएगा ए बी और ए सी। तो क्या मिला, एडी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। फिर एंगल ए इक्वल एंगल ए, क्या आएगा ये कॉमन एंगल आएगा, कौन सा एंगल कॉमन एंगल। तो देयर फॉर अब देखो ये जो दो ट्रायंगल है एडीई और एबीसी, दो साइड्स किस में है प्रोपोर्शन में और एक एंगल इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो ट्रायंगल एडीई सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, हेंस प्रूव। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।